हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त विद कीर्तन जोशी। अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन करो, जिसकी वजह से केमिकल इंजीनियरिंग रिगार्डिंग जो भी बेसिक फंड आए है वो सब मैं आपको क्लियर करवाता रहूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका जो एक लाइक है वो मेरे लिए इंस्पायरेशन प्रोवाइड करता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हर एक केमिकल इंजीनियर को व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग उसके रिगार्डिंग जो भी है वो सब फंडामेंटल क्लियर हो। तो अगर आप केमिकल इंजीनियर हो, अगर आप केमिकल कंपनी में काम करते हो, अगर आप केमिकल ग्रुप से कनेक्टेड हो, तो आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड सुना होगा, वैक्यूम। तो व्हाट इज वैक्यूम? तो वैक्यूम को आपने देखा होगा कि वैक्यूम इज नथिंग बट नेगेटिव प्रेशर। अगर हम उसको सिंबॉलिक में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम नेगेटिव प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक वैक्यूम का सिंपल सा डेफिनेशन आपको क्लियर करवाता हूं कि वैक्यूम का डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आज आपको वैक्यूम का डेफिनेशन क्लियर करवाऊंगा। तो वैक्यूम मीन्स प्रेशर बिलो एटमोस्फियर। अगर एक एटमोस्फियर से कम प्रेशर है तो उसको हम वैक्यूम बोल सकते हैं। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कहीं पे भी एक एटमोस्फियर से कम प्रेशर है तो हम उसको टेक्निकल फॉर्म में वैक्यूम बोल सकते हैं। तो इंडस्ट्री में वैक्यूम क्रिएट करने के बेसिकली दो तरीके हैं जो इंडस्ट्री में यूटिलाइज होते हैं। आपने इंडस्ट्री में वैक्यूम वर्क सुना होगा। तो अगर मैं कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में वर्क करता हूं और मेरे को कोई भी प्रोसेस इक्विपमेंट, समझो वो डिस्टिलेशन हो अदरवाइज वो इवेपोरेटर हो, यहाँ पे कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, वो डिस्टिलेशन भी हो सकता है अदरवाइज वो इवोपरेटर भी हो सकता है। तो ये डिस्टिलेशन और इवोपरेटर में अगर मेरे को कोई भी कंडीशन में वैक्यूम क्रिएट करना है तो मेरे पास दो तरीके है। कहां पे भी इंडस्ट्री में वैक्यूम क्रिएट करने के दो तरीके है। सबसे पहला तरीका इजेक्टर। और दूसरा तरीका वैक्यूम पंप। इंडस्ट्री में डिस्टिलेशन में वैक्यूम क्रिएट करना है तो अदरवाइज आप इजेक्टर का यूटिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज वैक्यूम पंप का यूटिलाइज कर सकते हो। इंडस्ट्री में इवोपरेटर में वैक्यूम क्रिएट करना है, कोई भी इक्विपमेंट में अगर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट वाला ऑप्शन इज इजेक्टर एंड सेकंड वाला ऑप्शन इज वैक्यूम पंप। इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है वो जानने के लिए प्लीज मैं उसके ऊपर दूसरा भी वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो कंटिन्यू देखते रहना। दो तीन वीडियो में वैक्यूम के ऊपर बनाने वाला हूं, वो वीडियो देखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा कि व्हेन एंड व्हाई वी यूटिलाइज इजेक्टर। मेरे को कब और कहां इजेक्टर यूटिलाइज करना है और मेरे को कब और कहां पे वैक्यूम पंप यूटिलाइज करना है, तो वो जानने के लिए प्लीज मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। और उसके बाद भी मैं वैक्यूम के ऊपर दूसरा दो तीन वीडियो बनाऊंगा, वो भी क्लियर देखना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कब मैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्री में इजेक्टर यूटिलाइज करूंगा और कब मैं वैक्यूम पंप यूटिलाइज करूंगा। आज मैं आपको समझाने वाला हूं इजेक्टर। तो इजेक्टर क्या है? तो इजेक्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा टिप्स दे देता हूं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज एन इजेक्टर। ये देखो, ये मेरे पास कागज है, ये कागज देखो ऐसे मुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो। अगर कागज को मेरे को ऊपर लाना है, ये देखो मैंने हाथ से ऊपर लिया, मैकेनिकल ऑपरेशन, मैंने कुछ मैकेनिकल वर्क जैसा किया। अभी देखो ये कागज ऐसे मुड़ा हुआ है, मेरे को उसको ऊपर लाना है, देखो ध्यान से देखना, देखा क्या हुआ? फिर से एक बार कर रहा हूं, यहां से पकड़ रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां से भी पकड़ो, देखो ये नीचे मुड़ गया। अभी देखो ध्यान से क्या हुआ, कागज ऊपर आ गया। तो दिस इज एन इजेक्टर। अभी पहले कागज पे समझते हैं, बाद में मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा, पहले ये एग्जांपल देख लो। मैंने क्या किया कि यहां से हाई वेलोसिटी को पास किया, यहां से देखो, यहां से हाई वेलोसिटी को मैंने फ्लो करवाया, करवाया ना, देखो फिर से करवा रहा हूं। जैसे मैंने हाई वेलोसिटी को यहां से फ्लो करवाया, ये वेलोसिटी ने क्या किया, यहां पे जो कागज था ना उसको उसकी तरफ खींच लिया, बराबर ना।
जैसे यहां से हाई वेलोसिटी पास हुई, उसने क्या किया, ये कागज को उसकी साइड पे खींच लिया। ये तो कागज है, ये तो सॉलिड है। अगर ये हाई वेलोसिटी कागज को खींच सकता है तो ऑब्वियसली गैस को तो खींच ही सकता है ना। तो अभी यहां पे आते हैं हम, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक फूंक लगाई थी ऐसे करके और इसको ऊपर खींच लिया। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हाई प्रेशर से मैं यहां से स्टीम डाल रहा हूं। स्टीम है, हाई प्रेशर वाली स्टीम है, वो मैंने यहां पे डाली। ये देखो नोजल, नोजल मींस उसका जो आगे वाला जो है खांचा, उसको मैंने कम कर दिया, तो मैंने ये एरिया कम कर दिया। जैसे मैंने यहां पे एरिया कम कर दिया, हाई प्रेशर वाली स्टीम डाली। आप सबको पता होगा कि बाग में माली जैसे यहां पे अंगूठा रख के उसको प्रेशराइज करके हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, वैसे मैंने यहां पे कुछ किया है। जैसे मैंने हाई प्रेशर स्टीम डाली, जैसे मैंने यहां पे एरिया कम किया, वो उसको मैं बोल सकता हूं नोजल, यहां से स्टीम हाई वेलोसिटी से फ्लो होगा। और जैसे वो हाई वेलोसिटी से फ्लो हुआ, देखो ये कुछ कागज का टुकड़ा जैसा है, यहां पे समझो कि डिस्टिलेशन कॉलम है जिसमें मेरे को वैक्यूम क्रिएट करना है। तो मेरे को यहां पे वैक्यूम क्रिएट करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहां पे जो वेपर्स अदरवाइज गैस मोलिक्यूल से उसको खींच लेना है। तो सपोज समझो मैंने यहां पे स्टीम नहीं इनपुट की, तो यहां पे वो खींच नहीं सकता। जैसे मैंने यहां से स्टीम इनपुट की, ये लाइन यहां से कनेक्टेड है, यहां पे जो भी मॉलिक्यूल्स है स्टीम क्या करेगी, जैसे हाई वेलोसिटी से पास होगी, यहां पे जो भी गैसेस मॉलिक्यूल्स है वो सबको उसकी साइड पे खींच लेगी। जो मैंने एग्जांपल दिया उसी तरह से, जैसे मैंने यहां से हाई वेलोसिटी पास की, ये कागज को खींच लेती है, वैसे ही जैसे मैंने हाई वेलोसिटी से यहां से स्टीम पास की, ये जो भी गैस के मोलिक्यूल्स के उसको वो यहां पे खींच लेगी। तो दिस इज कॉल्ड अ इजेक्टर, और स्टीम यूटिलाइज करते हैं यहां हाई वेलोसिटी के लिए, तो सो इट इज कॉल्ड अ स्टीम। यहां से मैंने जैक लगाया स्टीम का, देखो यहां पे नोजल मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया, तो जैक लगाया, तो सो इट इज कॉल्ड अ स्टीम जैक इजेक्टर। तो अगर इंडस्ट्री में आपको वैक्यूम क्रिएट करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इजेक्टर, यहाँ पे स्टीम से जेट लगाए, सो इट इज कॉल्ड अ स्टीम जेट इजेक्टर। और दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम पंप। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्टीम की जगह पे कोई भी फ्लूइड ले सकता हूं। सपोज मैंने एयर ले ली और यहां से उसको भी हाई वेलोसिटी से पास किया, तो भी वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। देखो मैंने यहाँ पे जो फूंक लगाई वो अल्टीमेटली है एयर, तो यहां पे मैं कोई भी मोटिव फ्लूइड उसको मैं बोल सकता हूं मोटिव फ्लूइड। स्टीम को मैं क्या बोलूंगा, मोटिव फ्लूइड। तो यहां पे मैं कोई भी मोटिव फ्लूइड ले सकता हूं। बेसिकली इंडस्ट्री में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए स्टीम यूटिलाइज होती है, सो इसका नाम रखा हुआ है स्टीम जेट इजेक्टर। स्टीम जेट इजेक्टर का फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, तो स्टीम जेट इजेक्टर में यहां पे देखो कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है। तो अगर मूविंग पार्ट्स नहीं है तो सिंपल सा लॉजिक है कि पावर कंजम्पशन नहीं है, तो दिस इज द एडवांटेज फॉर स्टीम जेट इजेक्टर। क्लियर ना, मेंटेनेंस भी कम हो गया, दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्टीम जेट इजेक्टर। तो हर जगह पे बेसिकली हम लोग वैक्यूम क्रिएट करने के लिए स्टीम जेट इजेक्टर का यूटिलाइज करते हैं। अभी यहां पे देखो मैंने स्टीम के जो मोलिक्यूल थे उसको वो सर्कुलर दिया है, और जो भी गैस के मोलिक्यूल से प्रोसेस फ्लूइड को उसको ट्राइंगल रखा है। तो आफ्टर क्रॉसिंग दिस एरिया जो भी ट्राइंगल और सर्कुलर दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो हम कैसा फ्लूइड यूटिलाइज करेंगे जो स्टीम के साथ मिसिबल फॉर्म में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके, ऐसा हमको प्रोसेस फ्लूइड में अगर वैक्यूम क्रिएट करना है तो हम लोग स्टीम जेट इजेक्टर का यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्टीम जेट इजेक्टर। लेकिन हर जगह पे मैं स्टीम जेट इजेक्टर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। तो उसकी क्या लिमिटेशन है और कब मेरे को वैक्यूम पंप यूज करना है, कब इजेक्टर, वो सब जानने के लिए प्लीज मेरे नेक्स्ट एपिसोड वाला वीडियो आप जरूर देखना। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड एंजॉय केमिकल इंजीनियरिंग दोस्त।